हेलो बच्चों, मैं आराधना वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7 के हिंदी पुस्तक वसंत 2 का चैप्टर नंबर 11 रहीम के दोहे, उसके प्रश्न उत्तर इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं उसको एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके पेज नंबर 84 पर दिया गया है वो है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। यानी कि कुछ पंक्तियों में कुछ कथन कहे गए हैं और कुछ है जो इसमें कि कथन के साथ साथ उस कथन को सत्यापित करने के लिए उदाहरण भी दिए गए हैं। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो दोनों प्रकार की पंक्तियों को आपको पहचान कर अलग अलग लिखना है। तो ऐसे कुछ पंक्ति जिसमें कि दोहा के साथ साथ उसका उदाहरण भी दिया गया है, जो कथन उसमें कहा जा रहा है उसका उदाहरण भी है, वो निम्नलिखित हैं। उत्तर में आप इस तरह से लिखेंगे, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहीं सुजान। इसमें अपने कथन को सत्यापित करने के लिए कभी उदाहरण भी दिए हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। इसमें भी वो कथन को सत्यापित करने के लिए उदाहरण दिए हैं। अगला है, धरती की सी रीत है, शीत धाम औ में, जैसी पढ़े सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। अब कुछ जो दोहे थे जिसमें कि सिर्फ कथन है उसमें उदाहरण नहीं है, ये निम्नलिखित हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते साँचे मीत। इसमें उदाहरण नहीं है, बस कथन है। उसके बाद, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छारती छो। इसमें भी कथन है। अगला प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्ति से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के बीच में क्या कहना चाहेंगे? तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? क्वार के मास में जो बादल आसमान में छाते हैं, क्वार का मास मतलब सितंबर अक्टूबर का महीना, आश्विन का महीना, वे सक्रिय नहीं होते, अर्थात केवल गरज कर ही रह जाते हैं और बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो निर्धन हो गए हैं, यानी कि पहले जो धनी थे और अब निर्धन हो गए हैं, वे केवल बड़बड़ा कर रह जाते हैं, यानी कि सिर्फ अपनी खीज निकालते हैं, अपनी पिछली बातों को बार बार दोहरा करके कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए कवि ने दोनों में समानता दिखाई है, अश्विनी महीने के बादल में और अमीर से गरीब बने हुए लोगों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। तो यहाँ पर जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि कविता में दोहे में पड़े शब्द इस्तेमाल हुआ था, जिसका मतलब होता है पड़े, यानी कि र और र में अंतर था। इसी तरह से विपत्ति बादर मछली और शीत, ये कुछ शब्द आए हैं कविता में, इनका प्रचलित शब्द यानी कि आधुनिक शब्द आपको लिखना है। विपत्ति का मतलब होता है विपत्ति, बादर का मतलब होता है बादल, मछली का मतलब मछली, शीत का मतलब होता है शीत। तो इस तरह से इसका प्रचलित शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें? बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। अब इस पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आपको? उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग कई बार किया गया। तो आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। आप देखिए, पहली पंक्ति में ब का कई बार प्रयोग किया गया है, 1, 2, 3 बार, और दूसरी में ज का 1, 2, 3, इसमें ज को कई बार दोहराया गया है। तब आगे क्या बोला जा रहा है हमें, इससे संबंधित प्रश्न क्या है? इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के
अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इस तरह से जो वाक्य रचना की जाती है इसका कुछ उदाहरण आपको इसी तरह का उदाहरण ढूंढ करके उत्तर में लिखना है। तो आइए उत्तर में क्या हम लिख सकते हैं देखते हैं। आप उत्तर में लिख सकते हैं पहला, चारू चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ वह वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। मुदित महीपति मंदिर आए, इस वाक्य में क्या हो रहा है, यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इस तरह से आप पांच उदाहरण आपको दिया जा रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार की जाए वैसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार वाला वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे। तो नीचे जो दोहे का जो अंश दिया गया है उसको अगर हम अपने जीवन में उस कथन को उतार लें तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। पहला बोल रहा है तरुवर सजही सुजान, ये जो दोहा था, और दूसरा है धरती किसी डॉट डॉट यह दे। तो इन दोनों में क्या कथन कह रहे हैं रहीम, अगर उसका हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कैसी परिवर्तन आएगा, उसे हमें उत्तर में लिखना है। हमारे मन में परोपकार की भावना का उदय हो जाएगा अगर हम पहले वाले दोहे के अनुसार चलेंगे ज़िंदगी में तो, और हमारे मन से लोभ तथा मोह नष्ट हो जाएगा। लोगों में कटुता द्वेष तथा विषमता कम होगी और सद्भाव बढ़ेगा। अगर हम दूसरा जो कविता है धरती किसी, इसका अगर हम पालन करते हैं जैसा रहीम बोल रहे हैं तो क्या होगा हमारे जीवन में, हमारा शरीर तथा मन सहनशील होगा और हम आने वाले कष्ट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, हमें दुख की अनुभूति कम होगी। तो बच्चों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट करके लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिला। और हाँ, अगर आपने पिछले किसी भी वीडियो को मिस किया है मेरे चैनल पर तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको लिंक उपलब्ध मिलेगा, आप उसे क्लिक करके पिछले किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पर कक्षा 1 से कक्षा 10 का सभी विषय हिंदी के सभी चैप्टर्स का आपको व्याख्या और प्रश्न उत्तर के वीडियो उपलब्ध मिलेंगे, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।